जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी के ही सवाल आ रहे थे कि मैम कृपया यह बताइए कि शाम को जब दीपक लगाए या शाम को मंत्र जाप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो क्या तब भी नहाना आवश्यक है, या किसी कारणवश हम नहीं नहा सकते तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम पूजा कर सकते हैं? क्या हम मंत्र जाप कर सकते हैं? देखिए, सर्दियाँ आरम्भ हो चुकी है, हर एक क्षेत्र में एक जैसा माहौल नहीं होता। ऐसी स्थिति में सभी की परिस्थितियाँ भी एक जैसी नहीं होती, तो आपको कई ऐसे प्रमाण दूंगी इस वीडियो में जो सत्यता पर पूर्ण रूप से खड़े हैं और सालों से यह परंपरा चले आ रही है। ऐसे में पूरी आपकी शंका का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। देखिए, शास्त्र कहता है पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए, नहा धोकर जो है पूजा कीजिए। बिल्कुल सही बात है, हम हमेशा ही इस नियम का पालन करते हैं, सदियों से यह परंपरा चले आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रोज नहा धोकर, देखिए, ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन मस्तिष्क हमारे रोम छिद्र खुलते हैं इससे। तो रोज़ नहाकर जो है पूजा करनी चाहिए। सुबह तो यह बात हो गई, परंतु शाम को अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, दीपक इत्यादि प्रज्वलित करना चाहते हैं या कोई विशेष पूजा पाठ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? रोज की पूजा में भी यह बात लागू होती है। अगर सुबह जो है सबसे पहले नहा ही लेना चाहिए, सर्दी हो या कैसा भी मौसम हो, किसी कारणवश घर पे कोई करने वाला नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा, माँ भगवती की सेवा या किसी भी कारण से, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति घर पर नहाया हुआ हो तो वह पूजा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, आप जो है रहने दीजिए। परंतु घर पर कोई करने वाला नहीं है, आप नहाने में असमर्थ हैं, अब भगवान जी को तो भूखा नहीं रख सकते, ना ही जो है उन्हें जो है हर एक चीज़ में छोड़ा जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, भगवान हमारे लिए कोई भी नियम है वह हमारे कार्यों में बाधा बन जाए तो वह नियम जो है नियम नहीं रह जाता। हमारे लिए नियम बनाए गए हैं हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए और हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए। अगर वही नियम कार्य में बाधा बन जाए तो फिर वह नियम किसी काम के नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात को ध्यान रख लीजिए। देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे धाम हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जो है सर्दियों में जिनमें पूजा पाठ होती है। कई ऐसे कपाट होते हैं जो बंद हो जाते हैं, परंतु उनके जो प्रतिरूप होते हैं उनकी पूजा होती है। वहाँ बर्फ इतनी तेज पड़ती है, इतनी ज़्यादा स्थिति होती है कि -0 डिग्री से नीचे भी जो है चला जाता है। ऐसी स्थिति में एक समय तो जरूर नहाना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए, परंतु शाम के समय में मात्र जल के छींटे अपने ऊपर डालकर और हाथ पैरों को पूर्ण रूप से स्नान का भाव करते हुए शाम के समय दीपक इत्यादि लगाया जा सकता है, मंत्र जाप किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में किसी तरह का त्रुटि ना लाएं, मन में किसी तरह के भाव ना लाएं कि हम नहाए नहीं हैं तो क्या हम शाम की पूजा नहीं कर सक रहे। कारण यह है कि आप किसी कारण से पूरे दिन भर में, देखिए सुबह भी कई कई वृद्ध जन होते हैं, कई लोग इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है कि नहीं ना सकते। तो दूसरी स्थिति यह होती है कि आप जो है कपड़े चेंज कर सकते हैं, पूर्ण रूप से नहा नहीं सकते, तो आप जो है जल का भाव या जल के छींटे या इस तरह से भी जो है भगवान के भजन ध्यान इत्यादि किया जा सकता है। हालांकि एक समय नहाना आवश्यक है, किसी कारण नहीं नहा सकते तो भी यह कार्य किया जा सकता है। स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे करें, पूरे शरीर के कपड़े इत्यादि जो है दोबारा से चेंज कर ले, कहने का अर्थ है। और दूसरे स्थान पर आता है मल मूत्र, अगर त्याग किया है तो जो है नीचे का हिस्सा पूर्ण रूप से धो लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके बाद जो है पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही जल का छींटा डालकर शाम के समय हाथ पैरों को पूर्ण रूप से धोकर कुल्ला कर आराम से जो है पूजा की जा सकती है, मंत्र जाप किया जा सकता है, भगवान का ध्यान किया जा सकता है। मैंने स्वयं देखा है उत्तराखंड के कई इलाकों में कई ऐसे धाम हैं जो साक्षात माता रानी के स्वरूप विद्यमान है, जिनका चमत्कार खुली आंखों से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो है शाम के समय सिर्फ हाथ पैर धोकर कुल्ला कर और कपड़े बदलकर और स्नान का भाव करते हुए स्वयं के ऊपर छींटे डालकर पूर्ण रूप से शाम की पूजा पूर्ण नियम धर्म से की जाती है। यह सब जो है प्रथा सदियों से चली आ रही है, यह प्रथा आज की ही नहीं है, यह कई सालों से चली आ रही है। इसके जो है परिणाम कभी अनुचित नहीं मिले हैं, हमेशा उचित ही मिले हैं। ऐसी स्थिति में सर्दियां चल रही हैं, हर एक क्षेत्र में अलग परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में सबका शरीर भी अलग है, इससे अच्छा कि हम बहुत अधिक बीमार हो जाए, शरीर किसी कार्य का न रहे, तो क्यों ना उन नियमों में ही थोड़ा सा संशोधित करते हुए जो है अपने व्यवहार और अपने आचरण और प्रभु की भक्ति में हम निरंतर
प्रयासरत रहे। इस तरह से यह जानकारी थी कि क्या हम बिना नहाए भी शाम को दीपक लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए जरूर मददगार रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे। मन में कोई सवाल हो बेझिझक पूछें। हर हर महादेव।